तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही छोटा सा ब्लूटूथ स्पीकर का आज अनबॉक्सिंग करने वाले। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही चीप प्राइस है और बहुत ही छोटा सा डिजाइन है और छोटा सा साउंड है, लेकिन साउंड उसके इतना अच्छा है आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। मैं आपको दिखाऊं, ये देख सकते हो, ये MZ का कंपनी का एक साउंड है। यहाँ पर लिखा है वी बिलीव इन क्वालिटी, उसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको एक दो बार यूज किया है। उसका पहले जो इतना बड़ा का 805 का स्पीकर आया था, 806 जो स्पीकर आया था, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आता है। तो आज हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। चलिए बिना देर के अब उसका अनबॉक्सिंग करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, तो चैनल पर न तो सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड, चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और लाइक भी जल्दी से कर दीजिए। तो अभी सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स है, ठीक है। तो अभी चलिए अभी इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ। अभी हमारा कट हो चुका है, तो यहाँ पर देख सकते हो कट होने के बाद ये ऐसे निकल जाता है और उसके अंदर बस ये इतना छोटा सा है। आपको क्या बताऊं, तो ये देख सकते हो इतना छोटा सा स्पीकर है जो कि यहाँ पर MZ का ब्रांडिंग हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर। और जैसे यहाँ पर इसको मैं ऑन करूंगा तो उसका साउंड आप अच्छे से सुनिए, देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, बोलता है, ठीक है। इसका साउंड भी बहुत ही अच्छा लगा मुझको। अभी इसको चला करके उसके बाद इसके अंदर एक मिल जाता है, मतलब इसको कहीं जा रहे हो तो इसको कहीं रखने के लिए, यूज करने के लिए ये आपको मिल जाता है। यहाँ पर इसको कनेक्ट करना, मतलब फिक्स करना है, फिर हो जाएगा। और उसके बाद इस बॉक्स के अंदर हमको मिलता है एक डाटा, मतलब इसको बोल सकते चार्जिंग USB केबल, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पर मिल जाता है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का। व्हाइट कलर का है लेकिन थोड़ा अच्छा है, क्वालिटी थोड़ा अच्छा, कोई बात नहीं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो ये MZ कंपनी का एक स्पीकर है जो कि मैं आपको पहले तो अनबॉक्सिंग करके दिखा चुका हूँ। अब देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या है। देख सकते हो यहाँ पर एक स्पीकर से आप दो मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, एक मोबाइल से दो स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके अंदर हमको यहाँ पर एक छोटा सा स्पीकर मिल जाता है जो कि ब्लैक कलर का है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेटल का, मतलब ये स्पीकर मेटल का है, ठीक है। तो उसके साथ हमको एक रस्सी मिल जाता है क्योंकि ये कभी कभी इधर उधर चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देख सकते हो स्पीकर बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसको, अभी हम चला कर भी दिखेंगे। तो MZ का लुक यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ, तो ऑन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक ऑन के लिए स्विच दिया है। उसके बाद हमको यहाँ पर चार्जिंग केबल मिल जाता है जो कि चार्ज करने के लिए काम में आएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले खोल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो, जैसे चार्ज करूँगा तो यहाँ पर एक रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो करेगा, ठीक है। तो देख सकते हो, अभी मैं इसको पहले ऑफ कर लेता हूँ, तो अभी ऑफ हो चुकी है। अभी यहाँ पर मैं पहले फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस चार्जिंग कैसे तरीके से हो रहा है। तो अभी देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब ये इसका फिनिशिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गाइस आपको यहाँ पर टाइप बी का चार्जर मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ा पुराना हो चुका है क्योंकि अभी टाइप सी का चार्जर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आप इसको यूज कर सकते हो। इसके साथ आपको डाटा केबल तो मिल जाता है, घर में जो पुराना अडैप्टर है वहाँ पर आप इसको यूज करके चार्ज भी लगा सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर एक रेड कलर का इंडिकेटर ग्लो कर रहा है, तो हमारा अभी चार्ज में है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले ब्लूटूथ में इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर M2 का एक सिंबल आ रहा है, तो उसके अंदर ही हमको कनेक्ट करना है। तो अभी कुछ गाना प्ले करके आपको सुनाता हूँ। तो फिर
फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये स्पीकर आपको कैसा लगा, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बता दीजिए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे समाज में वीडियो यहाँ पर मिलता रहता है। ठीक है, तो इससे पहले मैं बहुत सारा स्पीकर वीडियो बनाया था, लेकिन इसका साउंड इतना अच्छा है, मैं आज भी मतलब ये सोच रहा हूँ कि इतना छोटा स्पीकर में इतना अच्छा साउंड कहाँ से आ रहा है, मतलब इतना छोटा स्पीकर है। तो मैं बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।